हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यमी वेज मंचूरियन और वेज चाउमीन की रेसिपी। सबसे पहले हम यहाँ मंचूरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कैरेट, कैबेज और कॉलीफ्लावर गोभी को थोड़ा सा बस हमारे फूड प्रोसेसर में डाल के अच्छे से प्रोसेस कर लिया है। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। यहाँ पे मैं इसका एक्सेस वाटर निकाल रही हूँ ताकि हमारे मंचूरियन अच्छे से क्रिस्पी बने। अगर आप वाटर नहीं रिमूव करोगे तो बहुत ज़्यादा वाटर आ जाएगा इनके अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस वाटर निकाल लिया है इनमें से। और अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। नेक्स्ट मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर जो कि मैदा है उसको ऐड कर रही हूँ। और इसको एक बारी डालने के बाद हम इसकी बाइंडिंग चेक कर लेंगे कि हमारा जो ये बैटर है ये अच्छे से रेडी हुआ है ये डो। तो इसको एक बारी अच्छे से हम अपने जो वेजी मिक्स है उसके साथ मिक्स करके देख लेंगे कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। नेक्स्ट मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हम इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम ही रखेंगे क्योंकि सॉसेस वगैरह जब हम इसको बाद में इसका तड़का करेंगे उसमें काफ़ी डलती हैं, तो उसको कम ही रखिए। और मैंने इसमें पेपर ऐड कर दिया है थोड़ा सा। इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे हमारे डो में। और यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है। अब मैं इसकी बॉल्स रेडी कर लूँगी। आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग इसके साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हो। मैंने बस इसको स्मॉल टू मीडियम साइज़ की बॉल्स ही रेडी की हैं, तो बस एक साइज़ की ट्राई कीजिए बनाने की ताकि यूनिफॉर्मिटी आए जब हम सारे मंचूरियन हमारे रेडी कर लें। और यहाँ पे मेरी सारी बॉल्स बन के रेडी हैं। मीनवाइल मैंने यहाँ पे ऑयल भी हीट अप होने के लिए रख दिया था। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे है ऑयल। और अब मैं अपने बॉल्स जो है इनको फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। तो मेक श्योर कि ऑयल मीडियम टू लो ही हीटेड हो। अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे जो मंचूरियन है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कुक नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो बस इनको हम मीडियम फ्लेम पे हल्के हाथों से हिलाते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये डार्क ब्राउन कलर के ऊपर से नहीं आ जाते। मीनवाइल मैंने यहाँ पे एक पॉट चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए हमारे चाउमीन नूडल्स को बॉयल करने के लिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। और यहाँ पे हमारे मंचूरियन का फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो देखिए ये बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। और वही मेक श्योर कीजिए कि आपका डो अच्छे से रेडी हो, तभी ये अच्छे से फ्राई भी होंगे और टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो बस इसी तरह से मैं सारे मंचूरियन की बॉल्स को हमारे रेडी कर लूँगी। और यहाँ वाटर में भी अब बॉयल आ गया है, तो अब इनमें मैं हमारे हाका नूडल्स चाउमीन वाले जो इंडियन प्रॉपर देसी चाइनीज़ वाले नूडल्स होते हैं उनको मैंने डाल दिया है। बस एक बारी सेंटर से इनको तोड़ के मैंने इसमें इनको ऐड कर दिया है। और अब हम इनको अच्छे से बॉयल होने देंगे। नेक्स्ट अब बस हमारे नूडल्स को हमने 80-85% ही कुक करना है। और इनको फिर हम स्ट्रेन करके 1 टेबलस्पून ऑयल ऊपर से डाल के इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मेक श्योर हम ठंडे नूडल्स ही कुक करें। और अब यहाँ पे मैं मंचूरियन की ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून यहाँ पे गार्लिक लिया है और जिंजर लिया है 1 टीस्पून, बारीक कटा हुआ है दोनों को। और इनको अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हमने इनको गोल्डन कुक करना है, ब्राउन नहीं इनको हमने करना है क्योंकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिटेन होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियंस 3 तरह से कट कर लिए थे, जो उनका वाइट पोर्शन है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी के लिए। और इसको डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इनको कुक कर लूँगी हमारे जिंजर और गार्लिक के साथ। नेक्स्ट इसमें मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और अब मैं इसमें सारी सॉसेज ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून केचप ऐड की है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली सॉस ऐड की है।
और 1 tablespoon ही इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और कलर ऑलरेडी इतना सुंदर आ गया है इस ग्रेवी का, तो मैं यहाँ पे ड्राई रखने वाली हूँ मंचूरियन को। आप अगर ग्रेवी वाले बनाना चाहते हो तो इस टाइम पे आप इसमें कॉर्नफ्लावर वाला पानी ऐड कर सकते हो, लाइक कॉर्नफ्लावर एंड वाटर का मिक्सचर जो होता है। और यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे हमारे मंचूरियन आर ऑलमोस्ट रेडी, बस इनको 1 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि सारी सॉसेज हमारी बॉल्स में अच्छे से मिक्स हो जाए, मंचूरियन वाली बॉल्स में। और ऊपर से गार्निश के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ऐड कर रही हूँ। एंड आर मंचूरियंस आर ऑल रेडी टू सर्व। चाउमिन के लिए मैंने एक वॉक में ऑयल ले लिया है 2 tablespoon, उसमें मैंने फाइनली हमारे जो स्लाइस्ड अनियंस ऐड कर दिए हैं। और हमने इनको हाई फ्लेम पे रखना है और जल्दी से जल्दी अपनी सारी की सारी वेजेस इसमें डालते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन का जो वाइट और ग्रीन के बीच का पोर्शन होता है वो ऐड कर दिया है, गार्लिक ऐड कर दिया है 1 tablespoon। इनको अच्छे से हम क्विक स्टर करेंगे 10 to 20 seconds के लिए। नेक्स्ट हम इसमें कैरेट्स ऐड कर देंगे, थिनली स्लाइस्ड कैरेट्स। और ये बस मैंने मीडियम साइज़ की एक कैरेट ली थी और इसको भी हम अच्छे से स्टर कर देंगे हमारी वेजेस में। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है रेड और ग्रीन, उनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे स्लाइस कर लिया था थिनली स्लाइस, और उनको भी मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अब मैं कैबेज ऐड कर रही हूँ इसमें, अगेन थिनली स्लाइस्ड। और सारी वेजेस को हमने क्विकली 10 to 20 seconds के लिए ही बस ऑयल में हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि इनकी क्रिस्पीनेस मेंटेन्ड रहे, हमने इनको मशी या सॉफ्ट नहीं करना है। और नेक्स्ट अब मैं सॉसेज ऐड कर रही हूँ, मैंने रेड चिली सॉस ऐड की है, ग्रीन चिली सॉस ऐड की है 1 tablespoon, और सोया सॉस मैंने 1 tablespoon ऐड की है। और आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग भी सॉसेज ऐड कर सकते हो कम या ज़्यादा। और केचप ऐड की है 1 tablespoon, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारी वेजीज में। और नेक्स्ट अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप सॉल्ट मेक श्योर अकॉर्डिंगली डालें क्योंकि हमने सोया सॉस डाला है उसमें बहुत सॉल्ट होता है। और थोड़ा सा मैंने पेपर भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें हमारे ड्राइड जो कोल्ड अब नूडल्स हो गए थे उनको ऐड कर दिया है। देखिए कोई भी नूडल एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हुआ है, तो वो ऑयल थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेन करने के बाद नूडल्स में डालने से स्टिक नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने सॉसेज और हमारी वेजीज और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्प्रिंग ग्रीन्स मैंने ऊपर से ऐड कर दिए हैं। और यहाँ हमारे नूडल्स भी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, इनको पाइपिंग हॉट सर्व कीजिए। तो मैं सबसे पहले मंचूरियन ही हमेशा रेडी करती हूँ या साइमल्टेनियसली मंचूरियन की ग्रेवी या उनका तड़का रेडी कर लेती हूँ। और नूडल्स तो कुक होने में सिर्फ 5 मिनट्स ही लगते हैं। और ऊपर से गार्निश के लिए थोड़े से स्प्रिंग ग्रीन्स ऐड कर दिए हैं। एंड देयर यू हैव इट गाइस, वेज चाउमिन स्ट्रीट स्टाइल, देसी स्टाइल हमारी, और साथ में मंचूरियन, दी बेस्ट इंडो चाइनीज कॉम्बिनेशन। Do try this recipe at home and let me know how you like it. I see you guys next time with a brand new video. Thanks for watching. Bye bye.